यहाँ पे कुछ पर्चियां रख दो, हमें कुछ लिखना होगा तो तुरंत लिख के देंगे तुम्हें। करने की कोशिश मैं तो वहां के पियोन को दे दूंगा। कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुख्य वक्ता के वक्तव्य के उपरांत आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए प्रतिभागी द्वारा फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। अब से कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया अनुशासन बनाए रखें। माननीय कुलपति महोदय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वायुसेना स्टेशन सरसावा सहारनपुर से
फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा जी एवं अन्य सभी उपस्थित जनों को सादर नमस्कार। मैं शिवम गोयल, समन्वयक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल सर छोटूराम अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शैक्षणिक संस्थान होने के नाते हम प्रत्येक कार्यक्रम का आरंभ ज्ञानदायिनी माँ शारदे की वंदना से करते हैं। माँ शारदे को समर्पित एक मंत्र प्रस्तुत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराना है। त्रिदिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम दिन वायुसेना स्टेशन सरसावा से फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा जी द्वारा करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन एयरफोर्स विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। द्वितीय दिन नोट आई क्यू बट अदर्स क्यूएस टूडेज वर्कशॉप डिमांड विषय पर डॉक्टर अभिनंदन गौतम प्रोग्राम डायरेक्टर रेजेंस बिजनेस स्कूल जोहान्सबर्ग द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। एवं अंतिम दिन आत्मनिर्भर भारत के मूल उद्देश्य के निमित्त छात्रों को प्रोफेसर चंद्रा जैन हेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल आईटीएस मोहन नगर द्वारा हाउ टू थिंक टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड द वेज टू वैलिडेट द आइडिया डू योर वेंचर विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। अब मैं अतिथियों के स्वागत के लिए इस संस्थान की निदेशिका एवं इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय प्रोफेसर जयमाला जी से निवेदन करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर जयमाला जी। धन्यवाद इंजीनियर शिवम। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विशेषतः विद्यार्थियों हेतु आयोजित इस त्रिदिवसीय वेबिनार सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि इंजीनियर शिवम ने बताया कि विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न आयामों में से कुछ आयामों से परिचित कराने हेतु हमने इस वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है। त्रिदिवसीय वेबिनार सीरीज है जिसमें तीन दिवसों में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इंजीनियर शिवम द्वारा बताया गया। आज का प्रथम दिवस हमारे लिए विशेषतः महत्वपूर्ण है। भारतीय जवान, भारतीय सेना, ये दो शब्द काफी हैं जो हमारे पूरे शरीर में, पूरे मन में, पूरे अस्तित्व में गर्व के, प्यार के, आदर के रोंगटे खड़े कर देता है। तो आज का दिन भारतीय वायुसेना की ओर से हमारे विद्यार्थियों को वहां से हमारे फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा हैं जो संबोधित करेंगे हमारे विद्यार्थियों को, उनको रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करती हूँ भारतीय वायुसेना और अन्य सेनाओं के समस्त जवानों को नमन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर एन के तनिजा, विश्वविद्यालय के कुलपति, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे पास शब्द नहीं आपका अभिनंदन करने के लिए। आप हमेशा से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी इस कार्यक्रम को करने की और विशेषतः कहा कि ये कार्यक्रम केवल SCRIT संस्थान के विद्यार्थियों के लिए नहीं वरन विश्वविद्यालय के संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए और भी जगह इसका आप प्रचार प्रसार करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर वाय विमला, हमारी प्रेरणा स्रोत, उनकी उपस्थिति वंदनीय है। समस्त संकायाध्यक्ष, विशेषतः डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो क्षण प्रतिक्षण हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हर समय संस्थान की प्रगति के लिए तत्पर रहते हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चीफ प्रॉक्टर, विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट ऑफ वेलफेयर, चीफ वार्डन, अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संस्थानों के निदेशक, मेरे साथी शिक्षक,
गैर शैक्षणिक कर्मचारी, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के स्तंभ यानी कि हमारे विद्यार्थी, जो युवा शक्ति है, जो हमारा भविष्य है, जो भारत का दर्पण बनेगा, उन सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करते हुए कि वो इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाएंगे, तीनों दिन एक अनुशासन का परिचय देंगे और हमें दिखाएंगे कि हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत अनुशासनशील ही रहेगा, अपने कर्तव्यों पे आगे बढ़ता ही रहेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और अंत में मीडिया पर्सन जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अच्छी कवरेज उनसे हमें मिलेगी, प्रचार प्रसार होगा कार्यक्रम का, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अंत में अपने मन के कुछ भावों के साथ मैं वापस इस प्लेटफॉर्म को इंजीनियर शिवम को दूंगी। तू मिट्टी में मिलने को आतुर मेरी तुच्छ जान की खातिर, तू मिट्टी में मिलने को आतुर मेरी तुच्छ जान की खातिर, तू जल थल नभ का प्रहरी मेरे तिरंगे की आन की खातिर, क्या जमी क्या आसमा क्या जल खौफ तेरा अच्छा लगता है, मैं रोती हूँ मैं हंसती हूँ फिर मैं सोती हूँ, तू है ना जो सरहद पे जागा रहता है। नमन भारतीय जवानों को। और मैं इस प्लेटफॉर्म को वापस देती हूँ इंजीनियर शिवम को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अदम्य शौर्य एवं साहस की परिचायक भारतीय वायुसेना, जिसने अनेक अवसरों पर अपनी वीरता और पराक्रम से भारतवर्ष का मान बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना से जुड़ने के लिए रोमांचित कर देने वाले विभिन्न विकल्पों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वायुसेना स्टेशन सरसावा से फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा जी। बिना किसी विलंब के मैं फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह हमारे विद्यार्थियों को शौर्य एवं पराक्रम की परिचायक भारतीय वायुसेना से जुड़ने के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दें। आदरणीय फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा जी। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा, फ्लाइंग ब्रांच, हेलीकॉप्टर पायलट, स्पीकिंग फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन सरसावा। टुडे आई शैल बी गिविंग अ स्मॉल टॉक ऑन इंडियन एयरफोर्स, द वेरियस रोल्स that we undertake, the brief history and how to join Indian Air Force and serve the nation with glory. Indian Air Force was established in the year 1932. Since then, it has become an indispensable part of the Indian Defence Services. It has shown tremendous progress and advancements over the years and has served the country at the times of need, be it during wartime or during disasters. An evidence of its strength and commendability comes from the fact that it was named Royal Indian Air Force in 1945 as a result of the recognition of its services and achievements in World War II. India has a credible air power, which is counted as one of the amongst the best in the world. Currently, it is served by more than 1.8 lakh personnel, more than 500 transport aircrafts and helicopters, and more than 600 combat aircrafts. It is the fourth largest air force in the world after US, China, and Russia. Talking about the roles of Indian Air Force of air defense, offense operations, military logistics, attack helicopters, aid to civil authorities, casualty evacuation, and transportation of men and material. Career opportunities in the Indian Air Force is divided into three branches, namely flying branch, technical branch, and the ground duty branch. Flying branch deals with pilots, be it fighter pilots, transport pilots, or the helicopter pilots. They work not just during wartime, but during peace as well. These are the ones who are involved in raiding enemy bunkers, troops, air force stations, artillery sites, do surveillance, provide support to the infantry, and help in disaster relief programs. Fighters include Su-30, Rafale, Jaguar, MiG-29, and Mirage 2000. Transport aircrafts like AN-32, Dornier, C-17, IL-76, and C-130s. And the helicopters include ALH, Mi-8, Chetak, Mi-17, Mi-35, and Apaches. The technical branch of the Indian Air Force handles the technical and mechanical needs and requirements of the Air Force, which are important asset of the nation.
from maintenance to performing to replacing the faulty parts, as well as giving suggestions and designing efficient machines, also comes under this section of Indian Air Force. Talking about the ground duty branch, looks into the logistics, administration, accounting, education, as well as meteorological department. They are the ones who manage human as well as financial resources allotted to the Indian Air Force. One can work as a fighter controller, air traffic controller, handling the latest satellite imagery, etc. Now, talking about the types of entry into the Indian Air Force, namely the UPSC, that is through NDA, and CDSE, that is Combined Defence Service Examination, which is conducted twice a year by UPSC for entry into IMA, OTA, INA, and Air Force Academy. FCAT, which is Air Force Common Admission Test, which is conducted by Indian Air Force twice a year for flying and ground duties. MET, Indian Air Force calls for male and female candidates for the meteorological departments under non-technical ground duty. Talking about the NCC special entry, it requires the Air Wing Senior Division C certificate and minimum of 60% marks each in maths, physics at 10 plus 2. Now, talking about the types of commission, namely the permanent commission, which means a career in the Indian Air Force till you retire, and the short service commission. It means a career of maximum 14 years and minimum 10 years in the Indian Air Force. You can opt for it through FCAT, MET, and the NCC special entry. At the last, talking about the selection process to join Indian Air Force, starting from the step one, you have to respond to the advertisement followed by the written test for NDA and CDSE, which happens twice a year by UPSC. Also, talking about the step two, that is AFSB, Air Force Selection Board. After clearing the written test, you will get a call letter to report at the AFSBs, where further testing happens, tests like picture perception test, psychological test, group test, and interview, etc. The step three includes the conduct of medical examination. After successfully clearing the test, you will be sent for medical examination at AFCME, that is in Delhi, and IAM at Bangalore. The last step is the All India Merit List. It is compiled on the basis of your performance in the written test and AFSB interview. Based on vacancies, joining instructions are issued to one to join one of the training establishments. That's all from my side. At the last, I just want to say that if you are passionate to join Indian Air Force, every day you have to ask one question from yourself. That is, do you have it in you? And sooner or later, you will surely accomplish your goal, because sky is the limit. All the best, Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की, जय हिंद सर, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। से अवश्य ही हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, भारतीय वायुसेना से जुड़कर राष्ट्र एवं संस्थान का नाम अवश्य ही ऊंचा करेंगे। अपने राष्ट्र भारत की सेवा में सदैव समर्पित प्रत्येक वीर को हमारा प्रणाम। प्रत्येक वीर जज्बे को प्रणाम, जिसमें सिर्फ एक ही चाहत होती है, वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। भारतीय मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वंदना जी से कि वह प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से मुख्य वक्ता को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम गोयल सर। मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ भी रही हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले वीरों को समर्पित कुछ लाइन से करूंगी।
क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम ईशान जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सर, एक क्वेश्चन मेरे पास कई माध्यम से आया है। कैंडिडेट वुड लाइक टू आस्क, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स इन एयरफोर्स एज आर इंस्टीट्यूट इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी इंजीनियर्स। I wish you please solve this query. They are asking for engineers, what are the career perspectives? I hope I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are pretty much audible, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. So my question is to yes, ma'am. Yes, please. All the participants, kindly mute yourself. लगता है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ईशान जी थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ प्लेटफॉर्म हो गए हैं। नो वे प्रॉब्लम होगा मैम। व्हेन टेक्नोलॉजी इज अ टूल इट इज आल्सो क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन एज वेल, नो वरी। ओके मैम, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ईशान जी हमारे साथ फिर से जुड़े और आपकी क्वेरी सॉल्व हो। Ma'am, like the branches I already told, that is flying, yeah, technical and ground usage. The technical branch basically deals with the engineers, that is AEL and the AEM, in which there is a scope for mechanical engineering and automation, production, repair and maintenance, and many more. Like the technical branch, that is AEM, deals with industrial engineering, manufacturing engineering, and the AEL, which deals with electronics and communication engineering. So for basically the technical branch is basically meant for the engineers, which have a great scope. Thank you very much, sir. I hope a student must have answered their question. Thank you. One question is also there, although it is related to previous one as well, but still, what are the job positions in armed force for students, not engineers? Students as in? Maybe of any branch, like they are, what is the process of SSB? I hope they would like to ask. Yes, ma'am, like the process of SSB, I already told that the first is the written test, which they undergo through ND and CDSE. After clearing the written test, they have to be called by the AFSB board, that is in Dehradun, Varanasi, and many more selection board centers. In that, they'll get the tests like psychological test, picture perception test, group test. So all these tests are being conducted after you being passed for after the written test, ma'am. Okay, sir. One candidate would like to ask that a number of training centers are presently running around us for army, which are run by either ex army officers, retired army officers, I mean to say. Yes, ma'am. I would like to ask whether is any institute is there for Air Force as well? Ma'am, there may be many air-like institutes like you are talking about. Like also the books are also available for SSB interviews on Amazon. But basically the tests, like psychological test, is can't be like one person who is psychologically, it is by birth only. No one can make you think the things which have to be written in the test. So it may help sometimes to some people, but not everyone, ma'am. Like institutes you are talking about, they also give this thing, education for Air Force also. The selection board is always the same for all the armed forces. Sir, for written test, it is all right. Yes, ma'am. But for physical, actually, they can't simulate aircraft, flying aircraft. So they wish I hope they are interested to know something about that as well. Like simulation testing for army, they can do like running physicals, they can do. But for Air Force, I hope they are facing a lot of problems. So as there are, in my knowledge, in fact, there is no simulation sort of school. Probably he would like to ask. No problem. Sir, one of the student is interested to know about, he's saying, sir, please share your story of King of Flying Officer in Army. Very good question, I hope it is. In Army? They would like to know the
sorry, in Air Force. The story. Yeah, your story. Who motivated you to come to this and how, whatever your story? Ma'am, actually, I did my schooling from a Scenic School. Okay. So, I was motivated from class 6 onwards to join the Indian Air Force. Because from 6 to class 12th, I was in Scenic School, boarding school in Himachal. And thereafter, I joined NDA. So, from 6th onwards, I was motivated to join the Indian Air Force. And it's not like from 6th onwards, many people join. Your voice is not coming, sir. Sir, you are not audible. Yes, ma'am. Yeah. So I was telling that I was motivated from class 6 onwards because of the Scenic School, ma'am. And it's not like the one person who gets motivated from the starting beginning onwards have to join the armed forces. Many of my coursemates also went to the other branches. So I'm telling about myself that from 6th, I was motivated to join the Indian Armed Forces. And then later, I joined NDA, thereafter Air Force Academy, and thereafter AM. Thank you very much, sir. I would like to thank from the core of my heart. I salute the spirit you people are having. With these words, I would like to hand over the mic to Shivam Goyal. Thank you, sir. Thank you very much. धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम. मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक माननीय कुलपति महोदय को अध्यक्ष उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगा. माननीय कुलपति महोदय. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. या तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है सर. बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर ले, डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोग के यहाँ से. थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, अभी वाइस चांसलर साहब जुड़ेंगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए. मैम बाकी आप स्वयं ध्यान रखिए, जिसके भी जहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज इस बात पर ध्यान रखिए. एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं इस बीच में देना चाहती हूँ. स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किए हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. हमने खाली उन्हीं के क्वेश्चंस एंटरटेन किए हैं जिन्होंने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखे हैं. ये बात इसकी सूचना हमने शुरू में दे भी दी थी, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को ना मिली हो जिन्होंने ये ज्वाइन किया है. मैंने अभी मैसेज फिर से पोस्ट किया है कि आपको जो भी बात पूछनी है, क्वेश्चन रेज करना है, आपको वो चैट विंडो में लिखना है. इफ पॉसिबल आर स्पीकर विल लव टू आंसर. मोर ओवर there will be a feedback form which will be shared in this during the session in chat box. All of you have to fill this feedback form if you would like to get certificate. So make sure to get certificate, filling feedback form is necessary.
फिर से मैं घोषणा करना चाहूंगी कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कृपया चैट बॉक्स में लिखिए और माननीय कुलपति महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यू आर ऑडिबल जी सर। ओके ओके, थैंक यू। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में स्थापित सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर वाई विमला, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर हरे कृष्ण, इस संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर जयमाला, हमारे आज के मुख्य अतिथि वक्ता फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर वीरपाल सिंह, अन्य सभी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में जिनके लिए ये कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है जब वो अपनी प्रथम स्नातक स्तरीय उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययनरत हैं। इस आयु के कालखंड में उनके व्यक्तित्व का एक प्रकार से बहुत बड़ा रूपांतरण होता है और इस व्यक्तित्व निर्माण की श्रृंखला में यदि विद्यार्थियों को राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उससे अच्छा कोई भी कार्यक्रम व्यक्तित्व निर्माण का नहीं हो सकता। भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य श्रेष्ठ देशों की तुलना में कम होते हुए भी यहां के नवयुवक और नवयुवतियों के शौर्य, बलिदान और उनकी
राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वस्व न्योछावर करने की जो मनोभावना है, उसके कारण भारत का मस्तिष्क विश्व के श्रेष्ठ देशों की श्रेणी में खिला रहता है। वास्तव में किसी भी देश के लिए जहां और तत्वों की आवश्यकता है, वहां उसकी सैन्य शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में गिनी जाती है। ऐसे में जो नवयुवक अपने आप को सैन्य अधिकारी बनने के लिए प्रस्तुत करते हैं, वो उनका बहुत सराहनीय प्रयास है। और इस दृष्टि से आज एक बिल्कुल नवयुवक जो एनडीए के माध्यम से सेना में कमीशन्ड ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, ईशान राणा, उनका मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिला। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता तभी आती है जब वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान करे, और दूसरों को ध्यान करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने राष्ट्र का ध्यान करे और राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर हो। इसलिए सेना में जो लोग जाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनका मन की इच्छा, उनकी भावनाएं आदर योग्य हैं। हमारे विद्यार्थियों को आज के श्री ईशान राणा के इस मोटिवेशनल लेक्चर के द्वारा निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी, और ये तो हमें मानना ही होगा कि व्यक्ति का आय अर्जन केवल उसी दिशा में संभव है। वन इज एबल टू अर्न इनकम फॉर लिवलीहुड इफ एंड ओनली इफ वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। मीन्स इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवार्ड्स अर्निंग इनकम, बट इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन सच ए मैनर दैट यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग एट योर अल्टार, यू आर रियली वर्शिपेबल। एंड इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी वेलकम श्री ईशान राणा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट अवर स्टूडेंट्स विल आल्सो बी बेनिफिटेड, दे विल बी नोइंग एज टू हाउ गुड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल देयर वेयर इन दे कैन अर्न देयर इनकम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर देयर लिवलीहुड। दे लिव नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स, नॉट ओनली फॉर देयर ओन फैमिलीज, बट ऑल्सो फॉर द नेशन। It's really a very good effort by the director and other faculty members of the institute, wherein they have invited Shri Ishan Rana. I hope the students will be benefited, will stand to gain. Thank you very much. धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन से हम कृतार्थ हुए। आपके वक्तव्य से अवश्य ही हमारे विद्यार्थी एवं हम सभी लाभान्वित होंगे। राष्ट्र प्रथम की भावना का जो द्वीप आपने हमारे विद्यार्थियों और हमारे अंदर प्रज्वलित किया है, वह अवश्य ही हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर सविता मित्तल जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम सविता आप चेक करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Am I audible now? Yes. हाँ मैडम सविता, कुछ प्रॉब्लम है, आप यह तो दूसरे सिस्टम पर आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी शुरू में आई थी आवाज, आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्लीज। ना लगाओगे तो भी चलेगा। माननीय उपस्थित महानुभावगण, मैं सविता मित्तल, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए अत्यंत आह्लादित हूँ और वंदित हूँ, क्योंकि मुझे इस विशेष अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु इससे पूर्व भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस एवं शौर्य को कुछ पंक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहूंगी। यू आर नॉट ऑडिबल मैम। कविता मैडम, आपका बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। Am I audible now? Yes. Okay. आप दो सिस्टम पर हैं, पहले तो आप मैडम आप दो सिस्टम पर हैं, एक पर आपको खत्म करिए पहले, आप दो सिस्टम पर आ रही हैं। It is okay, ma'am. Please go ahead. Please go ahead. भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं शौर्य को कुछ पंक्तियों द्वारा मैं नमन करना चाहती हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हरेक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में भी स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है, क्योंकि जूम, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव इन तीनों माध्यमों से विभिन्न महाविद्यालयों एवं संस्थानों के 900 से अधिक प्रतिभागी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में सर्वप्रथम ज्ञान के अविरल निर्जर हमारे प्रेरणा स्रोत एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सर, आपकी गौरवमयी उपस्थिति व प्रेरणादायी आशीर्वचन, जिसमें आपने राष्ट्रभक्ति की सर्वोच्च भावना को भी उजागर किया, निश्चय ही विश्वविद्यालय को प्रशस्ति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। गरिमा मंडित व्यक्तित्व की स्वामिनी आदरणीय प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर विमला बाई मैडम का भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। आपके अनुप्रेरक शब्द निश्चय ही उपलब्धियों के सकारात्मक परिणाम लाएंगे। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डीन साइंस, डीन कॉमर्स एवं विश्वविद्यालय के अन्य सभी संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी महाविद्यालयों व संस्थानों के विभागाध्यक्ष, कुलानुशासक महोदय, चीफ वार्डन, कुल सचिव एवं टीम इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के प्रति आभार प्रेषण हेतु मेरे पास शब्द ही नहीं, जिन्होंने व्यस्ततम समय सारिणी में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को अब कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग कर हमें गौरवान्वित एवं लाभान्वित किया। फ्लाइंग ऑफिसर ईशान राणा, ब्रांच फ्लाइंग ऑफ पायलट एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के प्रेरक व्याख्यान ने विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना में करियर के बहुआयामीय
अवसरों को अर्थपूर्ण व्याख्या कर हमें लाभान्वित तो किया ही, उनके प्रश्नों के समुचित उत्तर दे हमारा ज्ञान वर्धन भी किया। आपका हम हृदय से आभार जाहिर करते हैं। सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की निदेशक प्रोफेसर जयमाला, प्रशासनिक अधिकारी इंजीनियर मिलिंद, समस्त शिक्षकगण, कार्यक्रम में उनका जो भी यथोचित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान दिया, आप सभी का उसके लिए हार्दिक आभार। ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य इंजीनियर शिवम गोयल, इंजीनियर बीनू यादव, इंजीनियर पंकज कुमार, डॉक्टर वंदना, अमित शर्मा, इंजीनियर निधि भाटिया, इंजीनियर गुरु शरण कांत एवं टेक्निकल टीम डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर विकास जैन, मिस रितु शर्मा, इंजीनियर गौरव त्यागी, इंजीनियर मानव बंसल, इंजीनियर कवि भूषण एवं विद्यार्थी गण दीपक पटेल एवं चैतन्य सेन के आभार ज्ञापन के बिना धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम अधूरा है। जिनके कठोर श्रम एवं निष्ठापूर्वक कार्य करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है आज का यह सफल आयोजन। मीडिया बंधुओं का भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगी, जो निष्ठापूर्वक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाकर उसे विस्तृत फलक प्रदान करते हैं, और अंत में विद्यार्थीगण को स्नेहाशीष जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर ज्ञान अर्जित किया। धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत एक संक्षिप्त सूचना कल अर्थात 24 फरवरी के कार्यक्रम के विषय में। नॉट आई क्यू बट अदर क्यूज टूडेज वर्क प्लेस डिमांड इस शीर्षक से वेबिनार का आयोजन कल दिन बुधवार दिनांक 24 फरवरी को मध्यान्ह 2 बजे किया जाएगा। लिंक और अन्य विवरण आप उसके फ्लायर में देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम के विधिवत समापन के लिए आप सभी राजगान हेतु आमंत्रित हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जाग